सब्सक्राइब करें मेरे चैनल ड्राइंग स्टडी को और बेल के आइकन को दबा दें, साथ ही ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। सभी को मेरा राम राम। 8th क्लास में आज हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 29। दो असमानांतर रेखाओं ए बी ए सी को स्पर्श करता हुआ वृत्त लगाओ। जो रेखा ए बी को बिंदु पी पर भी स्पर्श करें। तो हमारे को दो रेखाएं दी हुई है, असमानांतर रेखाएं हैं। यदि इसमें कोई कॉमन बिंदु है तो ये कोण है। जैसे इसमें ए कॉमन बिंदु है तो आप देख सकते हैं ये ए बी हम ले लेते हैं और यहाँ से एक हमारे पास दी हुई है ए सी, इस तरह से रेखा दी हुई है। हम यहाँ से ये रेखाएं ले लेते हैं। ये है आपका ए, ये आपका है बी और ये है ए सी। एक कॉमन बिंदु दिया हुआ था इसलिए, और इसमें क्या कह रहा है ये कि इस ए बी रेखा पे एक पॉइंट दिया हुआ है हमने पी, हमें पॉइंट दिया हुआ है। तो हमने ऐसा वृत्त लगाना है कि इन दोनों रेखाओं को भी छुएगा और यहाँ पे इसको छुएगा, पी पॉइंट पे छुएगा। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने जो ये आपका कोण बन रहा है इसका हमने आधा कर देना है। यहाँ से हम सबसे पहले ए पर पटका रखेंगे यहाँ से, और एक इस तरह से इसमें हम चाप लगा देंगे, देख सकते हैं। फिर यहाँ से हम आगे चाप लगाएंगे इस तरह से, और यहाँ से हम जो है वो दूसरी चाप लगा देंगे इस तरह से। जहाँ पे ये दोनों चापें आपस में कट रही है यहाँ पे, यहाँ से हम जो है वो इस पॉइंट को हम ए के साथ मिला देंगे यहाँ से, डॉटेड। आप देख सकते हैं इस तरह से ये रेखा आपकी आ जाएगी। अब आपने क्या करना है, जो आपका पी पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पे आपने एक 90 डिग्री का कोण बना देना है। नब्बे डिग्री का कोण आपको आता ही होगा बनाना, तो आप देख सकते हैं कि 90 डिग्री का कोण कैसे बन रहा है। यहाँ से पहली चाप हमारी 60 डिग्री की होती है, दूसरी चाप हमारी 120 डिग्री की होती है, और हम 120 का और 60 का आधा जब करते हैं तो हमारा कोण बनता है 90 डिग्री का यहाँ से इस तरह से। और ये हम रेखा यहाँ लगा देते हैं, 90 डिग्री वाली रेखा हम लगा देते हैं यहाँ पे। इस तरह से, और जहां पे ये दोनों रेखाएं आपस में कट रही है ये पॉइंट आपका आ गया ओ। इस रेखा का हम नाम दे सकते हैं एंड। अब हमने क्या करना है, ओ से पी जितनी प्रकार खोलनी है और यहां से हमने सर्कल लगा देना है। तो ये जो सर्कल आपका आएगा ये पी को तो छू रहा है क्योंकि हमने ओ से पी जितनी प्रकार खोली है, पर जो आपकी दूसरी रेखा थी ए सी रेखा आपकी थी, ये रेखा थी, इसको भी ये स्पर्श कर रहा है। तो ये आपका प्रश्न नंबर है 29 और ये आपका बन के तैयार हो गया। अगला आपका है प्रश्न नंबर 30। दो असमानांतर रेखाओं ए बी ए ई को स्पर्श करता हुआ वृत्त लगाओ जिसका अर्धव्यास एच रेखा के समान दिया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें रेखाएं दी हुई है ए बी और ए ई, तो इसमें भी कॉमन बिंदु ए है। तो हमने क्या करना है, ये रेखा है हमारी ए बी, एक हम यहाँ रेखा ले लेते हैं ए ई इस तरह से, यहाँ हम पॉइंट दे देते हैं ए, ये आपका पॉइंट आ गया ई और ये आपका पॉइंट आ गया बी। एक आपको दिया हुआ है, इसमें ऊंचाई दी हुई है आपके पास, व्यास दिया हुआ है, ऊंचाई नहीं है आपके पास, एक व्यास दिया हुआ है एच रेखा के समान है। यहां से हम एच रेखा के समान ऊंचाई ले लेते हैं, इसकी व्यास ले लेते हैं, ये हमारा व्यास है एच रेखा के समान। तो हमने यहां से ए से सबसे पहले हमने व्यास जितना हमारा दे रखा है इतनी प्रकार खोल के हमने चाप लगा दिए ए से, और हम दूसरी चाप लगाएंगे बी से।
और हम इसको ऊपर से इस तरह से मिला देंगे। हम क्या करेंगे, जो आपके पास ए पॉइंट दिया हुआ है, ये आपका कोण है, इसका हम आधा कर देंगे यहां से इस तरह से। मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी आपको इसका कोण का आधा करना बताया है, इस तरह से हम इसको कोण का विभाजन कैसे कर सकते हैं, इसको हम आधा कैसे कर सकते हैं, इस तरह से। और अब हमने इसको मिला देना है। इस तरह से जहाँ दोनों रेखाएं आपस में मिल रही है, ये आपका पॉइंट आ गया हो, इस रेखा का नाम आप दे सकते हैं N। अब आपने क्या करना है, जो आपका ये O है, यहाँ से आप एक लंब गिरा सकते हैं यहाँ से। आपके प्रश्न में जो दिया हुआ है, बुक में दिया हुआ है, उसमें तो सीधा सिर्फ आपका H दे रखा है, फिर H आया कैसे ये नहीं बताया है, तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ ये कैसे आता है। इस तरह से आप यहाँ से, ये आपके पास दो चाप, जो आपने चापे लगाई है, हर चाप के दो किनारे होते हैं, यहाँ से हमने चाप लगाई, एक ये किनारा है, एक ये किनारा है, हमने यहाँ पे प्रकार रखी, एक चाप लगा दी, दूसरे किनारे पर रखी तो दूसरी चाप लगा दी, और जहाँ ये दोनों चाप आपस में कट रही है, यहाँ से हमने ओ को मिला देना है इस तरह से। बुक में आपके डार्क मिला हुआ है, पर ये सहायक रेखा है, इसलिए ये हम डार्क नहीं मिलाएंगे यहाँ पे इस तरह से। आप चाहो तो डार्क मिला सकते हैं, पर मैं इसको डार्क नहीं मिला रहा हूँ। ये आपका यहाँ पॉइंट हम दे देते हैं इसका H, ये जो है सहायक रेखा, ये उत्तर नहीं है, उत्तर हमारा जो है वो है सर्कल है। अब हम क्या करेंगे, O पॉइंट पर प्रकार रखेंगे और यहाँ से हमने H इतनी प्रकार खोल ली और यहाँ पे हम सर्कल लगा देंगे। ये आप देख सकते हैं ये जो सर्कल आपका आ रहा है, ये दोनों रेखाओं को स्पर्श कर रहा है। ये आपका प्रश्न नंबर है 30। ये आपका हल हो चुका है इस तरह से।